की बीमारी हो गई थी इनका जी, गोली रिएक्शन कर गई थी, रखने रखी थी। फिर गुरुजी से संपर्क होया, उन्होंने झाड़ा दिया, झाड़ा से उसका आराम आया। ठीक है, जो सही श्रद्धा लेके आवे, आस्था से आवे, उनके काम बने पूरे हुए हैं। हाँ जी, यहाँ आने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है जी। ठीक है, पहले से आराम है काफी। पहले से आराम है। हाँ, कितना परसेंट आराम हो गया है? 50-60% ये भी यहाँ पे आने से फायदा है। हाँ, कितना फायदा मन है? कुछ तो पहले से तो बना ठीक है, घर में सुख शांति, किसी प्रकार की समस्या रहती थी, अब बिल्कुल ओके। हाँ जी, नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लांबा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लोक प्रसार में। फिलहाल फिर आज खड़ा हूँ सुनी शक्ति धाम में। काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, शनिवार का दिन है और झाड़ा लगवाने के लिए आज विशेष दिन है, शनिवार का दिन जो तय किया जाता है, और मंगलवार और वीरवार को यहाँ पे पूछा भी की जाती है और साथ में उसी दिन झाड़ा भी लगाया जाता है। तो तीन दिन निश्चित है भाई, दो पूर्णिमा और दो शनिवार का नियम है यहाँ पे। वो नियम अगर कोई निभाता है तो निस्संदेह यहाँ पे लोगों के संकट दूर होते हैं, लोगों के मनोरथ पूरे होते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान यहाँ पे होता है। खुद महंत जगदीप जी ये कहते हैं कि दो झाड़े शनिवार को और दो पूर्णिमा को विशेष अर्जी जो लगाई जाती है उस दिन यहाँ पे आना जरूरी होता है। कितने झाड़े लगवाने के बाद में दो अर्जी जरूर लगवाएं यहाँ पे। तो आज जो है स्पेशल दिन है झाड़ा लगवाने का। तो फिलहाल जितने भी भक्तजन श्रद्धालु बैठे हैं, कैमरे में से कम होगा दिखा दें, विशेष ध्यान ये दें कि दो दिन यहाँ पे पूछा की जाती है वीरवार और मंगलवार को। तो अगर आपको कोई समस्या समझ में नहीं आ रही है तो भी आप यहाँ पे इस धाम पे आके वीरवार और मंगलवार जो दो दिन निर्धारित किए गए हैं उस दिन आके आप अपनी पूछा भी करवा सकते हैं। तो एक एक करके मैं बातचीत करवाने की कोशिश करूँगा इन सभी से ताकि उनके विचार आप लोगों तक पहुँचें। हम अपनी तरफ से कुछ भी पुष्टि नहीं करते हैं, जो भी बात कहती है जनता जनार्दन कहती है, जितने भी आने वाले श्रद्धालु हैं वो कहते हैं, उनके द्वारा बताई गई बातों से ये सिद्ध होता है कि यहाँ पे चमत्कार वास्तव में होते हैं। कहाँ से आए आप? डोबी से। हाँ जी, डोबी से आए हैं। डोबी से आप पहली बार कितना करा चुके? दूसरी बार आए। दूसरी बार, कुछ समस्या का समाधान हुआ आपका? कितना है? फायदा हो रहा है जी, पूरा फायदा हो गया। कितना फायदा मानू? 100% ठीक है जी, जितना मानते हैं उतना फायदा तो होता है। समस्या की थी? बस ऐसे ही सुख शांति के लिए, घर के घर में सुख शांति, किसी प्रकार की समस्या रहती थी, अब बिल्कुल ओके। हाँ जी, बार आ चुके पहले? दूसरी बार आए। दूसरी बार आए, पहले बार आए तो क्या समस्या लेके आए थे? पैर में दर्द था। दर्द था शरीर में? पग में है थोड़ा सा, कमर में, कई साल से पैर में दर्द है। काफी साल से? तो डॉक्टरी इलाज से कितना फायदा हुआ आपको? डॉक्टर से तो है नहीं, तो आराम लगा। ये बीच यहाँ पे आने से फायदा है? हाँ। कितना फायदा मानू है? कुछ तो पहले से तो बना ठीक है। आप कहाँ से? हिसार से। पहली बार ना? तीसरी बार आई। सारे इकट्ठे आए हो गए? हाँ, इकट्ठे एक ही टंकू। चलो, तो कितनी बार आ चुके आप? तीसरी बार आई। तीसरी बार आए? तीसरी बार में आप आए हो तो क्या शारीरिक समस्या लेके आए थे या घर की? नहीं, पैर में दर्द था। पैर में दर्द की समस्या थी? अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहले से आराम है काफी। पहले से आराम? कितना परसेंट आराम हो गया है? 50-60%। राम राम भाई, आप कहाँ से आए हैं? शीशवाड़ा। अच्छा, के काम करया करो? आप खेती बाड़ी करा जी। खेती बाड़ी? हाँ जी। तो के दाम पर के जगह का अच्छा चोखा ना हो जाए अगली बार? हाँ, कोई समस्या नहीं, सुख शांति, अच्छी बारिश हो जाए, बढ़िया फसल हो जाए, कपास में कीड़ा ना लगे। मानते हैं जो पूर्ण श्रद्धा के साथ उसका भाई समाधान हो ही जाता है। आपको मौज हो रही है? बिल्कुल हाँ, मौज हो रही है बिल्कुल। ये कहना चाहोगे दर्शक तो देख रहे हैं, यहाँ आने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है जी, जो मन में इच्छा होती है पूरी होती है। हाँ, सच्चे मन से आता है। कोई खर्चा कोई नहीं, कोई कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, यहाँ तो डिमांड होती है, कोई डिमांड नहीं होती, यहाँ स्पेशल भंडारा और लगता है। अच्छा, पूरी सुविधा है। आओ, प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ जी, मौज लेओ जी। आए हो? शीशवाड़ा गाँव। शीशवाड़ा? हाँ जी। इन वाला गाँव तक? हाँ जी, इसके साथ ही। अच्छा, साथ में? हाँ जी। आप उन्हें कितने साल हो गए? मेरे को 1.5 साल हो गए। 1.5 साल? हाँ जी। की समस्या लेके आए? कुछ समस्या कौन जी, बाबा दया है, सब सही चल रहा है। मौज हो रही है? हाँ, मौज हो रही भाई। आप इस जवान लगे उससे पहले क्या महसूस करते थे और आज क्या महसूस कर रहे हो? अपना पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है जी। अभी ठीक? हाँ। कुछ यहाँ पे 1.5 साल से आप आ रहे हो तो कुछ चमत्कार जैसी कोई चीज आपने देखी भाई? लोगों को काम है अगर वही हो कोई ऐसी? हाँ, ठीक है, जो सही श्रद्धा लेके आवे, आस्था से आवे, उनके काम बने पूरे हुए हैं। हाँ जी। ये किराया वाला सिस्टम ने जो पढ़े लिखे लोग हो आप? हाँ जी। उसको मानते हो? देखो भाई साहब, जब जो चीज धरती सब कुछ है, भगवान है, जब ये दुनिया चल रही है, सदियों से अब यहाँ मैं 1.5 साल से यहाँ आ रहा हूँ, तो कुछ लोग मेरे को ऐसे भी मिले थे जो ये बोलते थे कि आप वहाँ जा रहे हो, आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, आप धक्के से ढोंग कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, आपको सब चीजें मिली हुई है,
देखो मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है भगवान, मैं यहाँ भी जाता हूँ। आप कहाँ से पूछे हैं? मैं न्योड़ी खुर्द से जी। न्योड़ी खुर्द से, न्योड़ी कला, न्योड़ी खुर्द दोनों है। हाँ जी, इकट्ठे हैं। तो कितनी बार आ चुके पहले? मैंने जी एक साल हो गया वैसे तो। एक साल हो गया। हाँ जी। तो भाई एक साल हो गया तो आने में मतलब मजा आने लग गया है, समाधान तो नहीं आया है या कुछ आगे शांति में? चमत्कार भी होया है। अच्छा, आपके साथ में? मेरी गुड़िया बीमार थी। गुड़िया बीमार थी, ये ठीक होगी। क्या समस्या थी, कितने दिन से थी इनको? इनको अभी हुई थी पीछे एक महीना पहले। एक महीना पहले। के नाम अपना? मेरा नाम कौर सिंह है, गाँव जोड़ी कौर सिंह है मेरा नाम। कौर सिंह नाम है। की बीमारी हुई थी इनका जी? गोली रिएक्शन कर गई थी, एडमिट रखने रखी थी। फिर गुरुजी से संपर्क हुआ, उन्होंने झाड़ा दिया, झाड़ा से उसका आराम आया। आराम, डॉक्टर ने तो कह दिया था अभी मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन इन्होंने निकाया वैसे ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन में 7 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, छुट्टी मिल गई। तो आप डॉक्टरों का जो विश्वास छोड़ के और यहाँ पे लेके आए, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो, अपने विश्वास में। हम लगभग कितने जड़ा है गुड़िया बिल्कुल पूरी तरह ठीक होगी? जड़ा उन्होंने फोन पे लगाया था। फोन पे? फोन पे भी डायरेक्ट? तीसरा दिन इसको होशा गया था। राम राम जी। राम राम। आप कहाँ से आए? गोहाना से। गोहाना से। कितनी बार आ चुके पहले? कई बार आ चुके जी। कई बार आ चुके? हाँ जी। तो की समस्या थी, समाधान क्यों होया नहीं होया? हाँ, समाधान हो गया, बिल्कुल हो गया। कितनी बार में आने से हो गया था? एक दो बार में हो गया था। एक दो बार में। की समस्या थी बताने वाली से कि मैं घर पर स्थिति थी, खुद की थी? ये हाथ काम नहीं कर रहा था। इसमें क्या समस्या हो गई थी? पता नहीं क्या समस्या थी, दर्द होता है इसमें, यहाँ बटन मुंदो था तब नहीं मुंदा जाता। अच्छा। पीछे करूँ था पीछे नहीं जाओ था, कमीज नहीं निकाला जाता, मतलब कई समस्या इस हाथ से थी। अच्छा, इस हाथ में, राइट हैंड में। हाँ। तो यहाँ झाड़ा लगवाया आपने? हाँ। कोई दवाई पानी दी? ना, दवाई पानी कोई नहीं लिया, मैं दवाई तो एक साल खा चुका था, कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं। यहाँ तो बस शनिदेव की कृपा है। आज के दिन बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाथ? हाँ जी, ओके, बिल्कुल। पीछे ले जाओ, कहीं ले जाओ। कितनी है, कितने झाड़े में समाधान हो गया था आपका? मन झाड़ा कोई कुल मिला मेरे तो फेरी तय हो गया। फेरी दे बाबा आओ, दर्शन कर लो, प्रसाद चढ़ा दो, और उसके बाद मन में ये अर्जी लगा दो, भाई परमात्मा मेरा काम, उससे समाधान हो गया। मन में तो वोट ली थी, संविधान हो गया। समस्या तो एक तो हाथ पैर में दिक्कत ही। दिक्कत थी? हाँ, दिक्कत थी, अब नहीं है। मैं एक जाड़े में ठीक हो गई। एक जाड़े में ठीक हो? हाँ जी। और एकदम मेरा तेरे पे एकदम की कृपा होगी कि तूने को 2-3 बरा लिए तेरे पे, कोई खास जानकारी मतलब तेरी? ना ना, सच्चे श्रद्धा से आए थे। पक्की बात है? पक्की बात है। श्रद्धा कितने लिया? श्रद्धा मन से आई। मन से आई गे? अच्छा, मकदे न्यू भाई को बताओ, न्यू कदम मैं 2 बार आ चुका मन ने भाई होया कौन, मकदे श्रद्धा कौन मिली उसने? नहीं नहीं, काफी लोग क्या है कि ट्राई करने के लिए आते हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ये भाई ने बताया, जड़ असली जड़ी है भाई। कुछ लोग ये कहते हैं चलो जाके देख लिया, बनगी तो बात ठीक से भाई नहीं, अगला धाम देखेंगे, फिर वो अगला धाम देखते रहते हैं भाई, उससे अगला उससे। धामा की कमी नहीं है, शक्तियों की कमी नहीं है, सब जगह शक्ति विराजमान होती है। जो भी मंदिर बना दिया जाता है प्राण प्रतिष्ठा करके, वहाँ पे शक्ति जरूर होती है, लेकिन उससे ऊर्जा कैसे लेनी है, उससे अपने काम कैसे करवाने हैं, उसको खुश कैसे करना, समस्या बस अड़े है, अड़ज गिरा जा लोगों की। बिल्कुल। अब वो खुश कैसे होगी जब आत्मा से आप लोग आओगे, आत्मा से जुड़ा होगा आपका, आप आत्मा से, आत्मा से क्या है आप? बिल्कुल। और आपका समाधान बिल्कुल ठीक हो गया? उनका समाधान हो जाए, हम तो ये दुआ करते हमारे चैनल की तरफ से। हमारे चैनल का उद्देश्य बस यही है भाई, हमारे चैनल का एम यही है कि इस वीडियो को जो कोई देख रहा है, इसको थोड़ा वीडियो को आगे शेयर कर दें, तो उन लोगों के पास भी पहुंच जाए जो इन भाई की तरह, इन माता की तरह, इन बहनों की तरह भाई जो दुखी हो रहे हैं, थक चुके हैं, तो वो भी इस धाम पे आके एक बार अपना जरूर अपना विश्वास बना के आ जाएं, तो क्या बताऊं उनका भी समाधान हो जाए। इस शुभ काम का फल भाई, अच्छा फल हमारे साथ साथ में अपने भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख ली और आपने देख के भाई मारा तो कोई समस्या को नहीं बंद कर दी, लेकिन वीडियो ने शेयर करा करो, थोड़ी आगे भेजा करो लोगों के पास, भेजोगे तभी लोगों के समाधान होंगे और एक दूसरे के साथ चैन से चैन, कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी, तो लोग जो हैं आपको भी दुआ देंगे, भाई देख फलाने आदमी ने मेरे को बताई थी इस धाम के बारे में, मैं वहाँ पे गया और मेरे जाके मेरा काम सिद्ध हो गया।